निर्गमन अध्याय 34, निर्गमन अध्याय 34। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की दो और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। और बिहान को तैयार रहना और भोर को सीनै पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना, और तेरे संग कोई न चढ़ पाए, वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई न दे, और न भेड़ बकरी और गाय बैल भी पर्वत के आगे चरने पाए। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान दो और तख्तियां गढ़ी, और बिहान को सवेरे उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दो तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सीनै पर्वत पर चढ़ गया। तब यहोवा ने बादल में उतर के उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा का नाम प्रचार किया, और यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों को और परपोतों को भी देने वाला है। तब मूसा ने फुर्ती कर पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत की, और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हटीले तो है तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूं, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुआ, और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने पर हूं वह भययोग्य काम है। जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूं उसे तुम लोग मानना। देखो, मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, कनानी, हित्ती, परिजी, हिव्वी और यबूसी लोगों को निकालता हूं, इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा न बांधना, कहीं ऐसा न हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे, वरन उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना और उनकी अशेराना मूर्तियों को काट डालना, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है ही। ऐसा न हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करें और उनके लिए बलिदान भी करें, और कोई तुझे नेवता दे और तू भी उसके बलि पशु का प्रसाद खाए, और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लावे और उनकी बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती है तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करवाए। तुम देवताओं की मूर्तियां ढाकर न बना लेना, अखमीरी रोटी का पर्व मनाना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, क्योंकि तू मिस्र से अबीब महीने में निकल आया। हर एक पहलौठा मेरा है, और क्या बछड़ा क्या मेमना तेरे पशुओं में से जो नर पहलौठे हो वे सब मेरे ही है, और गधी के पहलौठे की संति मेमना देकर उसको छुड़ाना। यदि तू उसे छुड़ाना न चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना, परंतु अपने सब पहलौठे बेटों को बदला देकर छुड़ाना। मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाए। 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना, वरन हल जोतने में और लवने के समय में भी विश्राम करना, और तू अठवारों का पर्व मानना जो पहले लवे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है, और
वर्ष के अंत में बटोरों का भी पर्व मानना। वर्ष में तीन बार तेरे सब पुरुष इस्राएल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपने मुंह दिखाए। मैं तो अन्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर तेरे सिवानों को बढ़ाऊंगा, और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में तीन बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच न करेगा। मेरे बलिदान के लोहू को खमीर सहित न चढ़ाना, और न फसह के पर्व के बलिदान में से कुछ बिहान तक रहने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी के बच्चों को उसकी मां के दूध में न सिझाना। और यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैं तेरे और इसराइलियों के साथ वाचा बांधता हूं। मूसा तो वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया, और उसने उस तकियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। जब मूसा साक्षी की दो तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उत्तर आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। जब हारून और सब इसराइलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकलती है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया, और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया, और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इसराइली पास आए, और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात न कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा, और जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब तब वह उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इसराइलियों से कह देता था। सो इसराइली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती है, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर न जाता, तब तक वह ओढ़नी को डाले रहता था।